नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन, मैं केशव शर्मा। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे बहुत सारे सिंगिंग डांसिंग रियलिटी शो के ऑडिशंस आते रहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं सारेगामापा को लेकर। और आपको पता है यार, सारेगामापा के जो थर्ड स्टेज यानी कि लाइव ऑडिशन चल रहे हैं, और जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लिया है उनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर, उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है। दूसरा, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी सी चल रही है, हम बोल सकते हैं एक छोटा सा हंसी मजाक चल रहा है कंटेस्टेंट्स के साथ। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए कंटेस्टेंट्स अपने नज़रिए से, अपने तरीके से गाना गा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ लोग रिजेक्ट भी हो रहे हैं। इसी तरह से एक और कंटेस्टेंट आए, यानी कि जो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, हिमेश रेशमिया ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि रसगुल्ला कहाँ का है और कहाँ बोला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि भाई, एक होता है रसगुल्ला और एक होता है रसोगुल्ला, तो दोनों के बीच में ये कहाँ बोले जाते हैं। रसोगुल्ला होता है जो वो वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, और जो रसगुल्ला होता है वो आपका उड़ीसा में बोला जाता है। दोनों की स्पेलिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं, दोनों की एक छोटा सा टन है ओ की आवाज़, ओ की साउंड की वजह से। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए जिनमें हंसी मजाक चल रहा है अभी तो फिलहाल। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है गाइज, जो कि मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जल्दी आपको 50 डेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री का वेट आपको करना होगा। जितने भी सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई सिंगिंग में भी कुछ लेवल तक हम पहुंच पाएँ, या फिर सिंगिंग किसी भी तरह का सिंगिंग ऑडिशन हम दे पाएँ, टेलीविज़न स्क्रीन पे हम आ पाएँ, चाहे वो लाइव ऑडिशन ही क्यों ना हो, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की अपडेट आपसे मिस ना हो और हम आपको इसी तरह से जानकारियाँ देते रहें। फिलहाल गाइज, अभी जैसे कि तारे ज़मीन पर हो गया, राइजिंग स्टार हो गया, या फिर हम सुपर सिंगर सीज़न 8 के बारे में बात करें, तो अभी इनकी कोई खास अपडेट है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि इनके बारे में आपको बताना चाहिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी किसी भी तरह की सिंगिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता ही रहूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।